साथियों, कोल्हापुर विकास और विरासत की संभावनाओं से भरा क्षेत्र है, लेकिन एनडीए अगाड़ी की सरकारों ने इस क्षेत्र की इतनी उपेक्षा की। आज केंद्र की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और भाई अजीत पवार की सरकार कोल्हापुर के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुंबई बेंगलुरु हाईवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के जरिए महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। हमने कोल्हापुर और क्षेत्र के नई ट्रेनें दी है और भविष्य में यहां वंदे भारत ट्रेनें भी चलेगी। हमने कोल्हापुर वैभववाड़ी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जिससे कोंकण क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। कोल्हापुर एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में अंबाबाई शक्तिपीठ का आशीर्वाद प्राप्त है। आने वाले समय में अच्छी सड़कों और सुविधाओं के कारण लाखों भक्त अंबाबाई के दर्शन करने आएंगे। यहां उद्योग, व्यापार और पर्यटन से जुड़े अवसर पैदा होंगे। आप मुझे बताइए, मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को दबाकर बैठने वाले लोग, याकूब मेनन की कब्र को सवारने वाले लोग, उनसे आप कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं क्या? साथियों, 7 मई को महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोल्हापुर से एनडीए के उम्मीदवार भाई संजय मांडलिक जी और हाथकणंगले से धैर्यशील माने जी, इनके पक्ष में भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत कीजिए।